बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि यूकेरियोट्स के अंदर जीनोम किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है डिफरेंट लेवल्स पे, फ्रॉम हिस्टोन्स टू लूप डोमेन्स और अल्ट्रास्ट्रक्चर्स, और फिर मेटाफेज क्रोमोसोम, और इसके अलावा यूकेरियोट्स में नॉन हिस्टोनिक स्ट्रक्चर्स जो या क्रोमेटिन की जो पैकिंग मिलती है वो कौन कौन सी है। सो, यह आपके कोर्स कंटेंट्स में थर्ड टॉपिक भी है, यूकेरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपैरेटिव चार्ट गिवन है आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनके जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन है, आइदर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, और उसका जो साइज है किलो बेस पेयर्स की फॉर्म में 10^4 और 6 किलो बेस पेयर्स यूकेरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया में 10^3 बट डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म में भी सर्कुलर है, बट मेमेलियन डीएनए वायरसेस में है डबल स्टैंडर्ड लीनियर और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एज वेल एज सिंगल स्टैंडर्ड, जबकि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया दे आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए विद वेरिएबल साइजेस। यूकेरियोट जीनोम की अगर हम बात करें तो नॉन डिवाइडिंग फेज पे जो डीएनए हमारा पैक्ड होता है, यू नो इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। यहाँ पे जीवन क्रोमेटिन स्टेज से एक फाइबर लिया गया विच हैज बीन पैक्ड फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, और यही न्यूक्लियोसोम्स जो है वो पैक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीडेड स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रिंग्स के ऊपर एक बीड्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, और उसके बाद यही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होकर सोलेनाइड या 30 नैनोमीटर जो है फाइबर्स, उसकी हम बात करेंगे ये कैसे अरेंज करते हैं, और अल्टीमेटली इनकी जो क्रोमोनिमा फाइबर्स है या क्रोमेटिन फाइबर्स हैं लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज पैकिंग, उसकी बात करेंगे हम मेटाफेज क्रोमोसोम से पहले। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पोर्शन के यूकेरियोटिक जीनोम का साइज अगर देखा जाए, वैसे तो आपने किलो बेस पेयर्स में ऑब्जर्व किया 10^4 to 6, लेकिन जनरली ये अनपैक्ड फॉर्म में 2 मीटर तक इसका जो है वो डीएनए का साइज नोट किया गया है और एक सेल के अंदर, और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है लेस देन 10 μm है, उसके अंदर इसने फिट होना होता है। सो जरूरी है कि पैकिंग बहुत टाइट हो, और इस पैकिंग की रेशियो बनती है 1000 to 10,000 फोल्ड्स ऑलमोस्ट। और ये जो जीनोमिक डीएनए है यूकेरियोट्स के अंदर, इसको जो है वो आप कह लें जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए, डिफरेंट टर्म्स में इसके लिए टर्म्स यूज होती हैं, और इसकी पैकिंग एंड पैकिंग को हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जब क्रोमोसोम्स ने मूव करना, तो तब इसकी लेवल्स के थ्रू पैकिंग जरूरी है, और जब ये डीएनए एक्सप्रेस होना होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, जब इसने अपने आप को सेंट्रल डोगमा के थ्रू एक्सप्रेस करना है, तो उस वक्त जरूरी है कि अनपैकिंग हो इन सारे लेवल्स पे। सो कुछ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव यहाँ पे शेयर्ड है कि 1928 में अल्बर्ट कॉसेल ने फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्टोन प्रोटीन्स को आइसोलेट किया था, बेसिक प्रोटीन्स को, और इनको हिस्टोन नाम दिया था फ्रॉम रेड ब्लड सेल ऑफ गूज। और उसके बाद दो दूसरे साइंटिस्ट का जिक्र है यहाँ पे, उन्होंने भी न्यूक्लियोसोम लेवल पे बात की, रॉजर कॉर्नबर्ग एंड पैरी चैमन, के बेसिक जो यूनिट है क्रोमेटिन का वो न्यूक्लियोसोम है। हम इसी न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के हवाले से फर्दर डिटेल में आगे बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली एक न्यूक्लियोसोम के अंदर दो तरह के स्टोन प्रोटीन्स होती हैं, कोर स्टोन्स जो कि 8 हैं, ऑक्टोमर इसे बोलते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ईच वन इज इन पेयर्ड फॉर्म, और इसके लिए ऑलमोस्ट 146 बेस पेयर्स का कोर डीएनए जो है वो रैप्ड होता है, जबकि इसके साथ कुछ लिंकर स्टोन्स भी मौजूद होती हैं H1 और H5, और ये वेरिएबल जो हो सकती हैं। H1 प्रोटीन के साथ कुछ लिंकर डीएनए भी होगा जिसमें फर्दर कुछ 34 बेस पेयर्स जो है वो मौजूद होंगे, और एज अ टोटल 180 बेस पेयर्स बनेंगे एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। सो वी आर मूविंग टू द हिस्टोन्स एंड देन न्यूक्लियोसोम लेवल। के हिस्टोन्स बेसिकली दो टाइप्स के हैं जो हमने पहले बात की, एक ऑक्टोमर जो कोर बनाएगा और वेरिएबल लिंकर प्रोटीन्स, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है तमाम यूकेरियोट्स के अंदर काफी हद तक सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल काउ जो कि एक मैमिलियन एनिमल है और पी जो कि एक प्लांट है, अगर इनकी हिस्टोन प्रोटीन को ऑब्जर्व किया जाए तो जस्ट दो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज वेलिन और लाइसिन इसमें डिफरेंस मिलता है, दे आर एक्सचेंज फॉर आइसोल्यूसिन एंड आर्जिनिन पी, बाकी जो है वो आप देख सकते हैं बहुत सिमिलैरिटी है। और ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल पे इनकी स्टोन्स की एनसी ग्रेडियंट इनकी जो है वो सेपरेशन की गई है फ्रॉम चिकन एरिथ्रोसाइट्स
इनके जो है वो आप रिलेटिव साइज को इसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर स्टोन्स की जो अरेंजमेंट की मैंने बात की कि एक तो ऑक्टोमर है जिसमें H2A, H2B, 3 और 4 पेयर्ड फॉर्म में, और इनके डीएनए कितना बताया आपको, 146 बेस पेयर्स इस ऑक्टोमर के डीएनए, जबकि कुछ डीएनए लिंकर डीएनए की फॉर्म में भी मौजूद होगा, दैट फॉर्म्स 34 बेस पेयर्स, तो टोटल ये जो है ऑलमोस्ट 180 बेस पेयर्स मौजूद होंगे। कोई भी प्रोटीन हो उस पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको पता है एक होता है अमाइनो ग्रुप, एन टर्मिनल उसे बोलते हैं, और एक होता है सी टर्मिनल, दैट इज कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है, सी टर्मिनल है इन हिस्टोन प्रोटीन्स का, ये हिस्टोन टू हिस्टोन इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है, जबकि एन टर्मिनल जो कि अमाइनो टर्मिनल है ये इंटरेक्ट करता है डीएनए के साथ, नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ, जो कि टाइट पैकिंग में इसको जो है वो असिस्ट करेगा। एंड द चार्ज टेल्स जो हिस्टोन प्रोटीन्स के हैं, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोसेसेस कि प्रोटीन जब बन जाती हैं तो उनको मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद इसमें एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, वो भी जो है वो एन टर्मिनल के साथ या टेल्स के साथ एसोसिएटेड है। फर्दर इसी न्यूक्लियोसोम की जब हम बात कर रहे हैं कि इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू द कोर ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स प्लस द लिंकर हिस्टोन्स, और इसमें टोटल अभी मैं आपको बता भी रहा था कि 180 बेस पेयर्स डीएनए मौजूद होंगे, लिंकर डीएनए प्लस ऑक्टोमर के गिर जो आपको डीएनए नजर आ रहा है, 8 हिस्टोन कोर प्रोटीन्स के गिर उसको मिलाकर, और द कोर पार्टिकल इज कंप्राइज्ड ऑफ 146 बेस पेयर्स प्लस द कोर हिस्टोन ऑक्टोमर्स। एंड आपको बताइए कोर हिस्टोन ऑक्टोमर्स एक स्पूल यानी एक टाइट पैकिंग के लिए में हेल्प कर रहे होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को tightly या closely pack करता है 1.67 left-handed superhelical turn। और एक recent model जो है वो suggest करता है कि जो DNA wrapped होता है यहाँ पे nucleosome के गिर्द, इसकी configuration normal bDNA की जो आपने पढ़ी उससे थोड़ा vary करती है। कैसे? Like normal DNA में आपने पढ़ा था कि 10.5 base pairs per turn of the helix मौजूद होते हैं, जबकि इसमें थोड़ा डीएनए स्लाइटली कर्व होने की वजह से, टाइटली कर्व होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेच्ड होता है, और हर टर्न में 10.17 बेस पेयर्स जो है वो डीएनए के मौजूद होते हैं। हिस्टोन्स को सेपरेट करने के लिए ना आमतौर पे हाईली सॉल्ट जो कंसंट्रेशन है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज की जाती है, और इससे इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो डीएनए और हिस्टोन्स का इंटरेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक है नेचर के अंदर। ये न्यूक्लियोसोम का एक साइड व्यू है जिसमें लिंकर हिस्टोन्स, लिंकर डीएनए प्लस जो है वो ऑक्टोमर शोन है, और ये टॉप व्यू है जिसमें आप साइड पे ऑब्जर्व कर सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल डीएनए और सेंटर में हिस्टोन प्रोटीन्स का इंटरेक्शन। न्यूक्लियोसोम के बाद जो नेक्स्ट लेवल हम बात करते हैं कि 10 नैनोमीटर फाइबर जो डिवेलप होता है डीएनए का, इसमें बीडेड फॉर्म या बीडेड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस आती है क्रोमेटिन की, और 10 टू 11 नैनोमीटर फाइबर आफ्टर लो सॉल्ट एक्सट्रैक्शन ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। द बीड्स रिप्रेजेंट डीएनए रैप्ड अराउंड द स्टोन्स कोर एंड द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द डीएनए डबल हेलिक्स, ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं स्ट्रिंग्स इस डायग्राम में, ये आप डीएनए ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि ब्लू कलर में इसके गिर्द हिस्टोन, इसके अंदर हिस्टोन। लिंकर स्टोन इस लेवल के लिए आमतौर पर रिक्वायर्ड नहीं होती इस लेवल की पैकिंग के लिए, और ये चूंकि नॉन फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, एक्स वीवो एनवायरनमेंट में, यू कह लें लैब के अंदर इन विट्रो कंडीशन में आइसोलेशन हो रही होती है, तो जो क्वेश्चन है कि मतलब इसमें 10 टू 11 नैनोमीटर फाइबर प्रेजेंट होता है या नहीं, इट्स स्टिल इन मतलब रिसर्च प्रोसीजर। और 30 नैनोमीटर फाइबर एनी हो जो ऑब्जर्व किया जाता है, that chromatin released from the nuclei by nucleus digestion has the canonical beads on string structure and in lower salt concentration that is less than 10 millimeter on the addition of salt increasing the ionic strength, or whether when observed in situ nucleosomal arrays form a compact fiber of approximately 30 nanometer diameter। ki वैसे तो low salt mein aap isko observe karte hain, lekin high salt mein jab isko extract kiya jata hai further to ye 30 nanometer ki अरेंजमेंट शो करता है। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ दिस फ्रिजाइल डेलिकेट क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग आइसोलेशन, द स्ट्रक्चर रिमेन्स
पुअरली अंडरस्टूड, जिसके प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी भी. मॉरल्स रेंज फ्रॉम आर रिलेटिवली ऑर्डर्ड हेलिकल सॉलिनाइड, इसे सॉलिनाइड लेवल जो हम बोल रहे होते हैं कि चाहे ऑर्डर सॉलिनाइड है, और टू अ ज़िगज़ैग एग्रीगेशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम, कैसा भी हो सकता है, या ये स्ट्रेट अरेंजमेंट हो या कोई ज़िगज़ैग सी अरेंजमेंट न्यूक्लियोसोम्स की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हो. और क्लासिक सॉलिनाइड मॉडल इसको पहले एक्सेप्ट किया गया था फॉर मेनी ईयर्स एंड इन्वॉल्व सिक्स कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स अरेंज्ड इन अ टर्न ऑफ हेलिक्स, कि सिक्स न्यूक्लियोसोम्स की जो अरेंजमेंट है उनको एक सॉलिनाइड का लेवल दिया गया. हाउएवर सॉलिनाइड्स दे आर नॉट सीन एट फिजियोलॉजिकल सॉल्ट कंसेंट्रेशन. और रिसेंटली टेक्निक्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्रोमेटिन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, बायोकेमिकल एनालिसिस एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दे हैव इम्प्रूव्ड, एंड स्टडीज नाउ सजेस्ट दैट एट लीस्ट इन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सेल्स न्यूक्लियोसोम्स डू नॉट फॉर्म अ सॉलिनाइड, कि जो सेल्स एक्टिवली ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं आरएनए बना के आगे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपना डीएनए, तो उनमें सोलिनाइड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती. इंस्टेड दे अडैप्ट अ ज़िगज़ैग रिबन स्ट्रक्चर दैट ट्विस्ट इनटू अ सुपर कॉइल स्ट्रक्चर. इसके बाद लूप डोमेन्स की बात की गई, कि यही सोलिनाइड या जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये अरेंज होकर कुछ लूप्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है क्रोमेटिन फाइबर के, दे आर नाउन एट लूप डोमेन्स एंड दैट कंटेन 50 to 100 किलो बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. दीज लूप्स मे बी क्रिएटेड बाय अटैचिंग डीएनए टू प्रोटीन्स associated with an underlying nuclear scaffold. और अगर इंटरफेस में हम देखें तो ये पैकिंग रेशियो जो है वो 1000 फोल्ड तक इंक्रीज करती है. क्रोमेटिन फाइबर फर्दर पैक्ड होंगे एज यू कैन सी ओवर हियर एंड दे फॉर्म अ ह्यूमन क्रोमोसोम टिपिकल स्ट्रक्चर जो आप ऑब्जर्व करते हो पहले. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल इंटरफेस क्रोमोसोम्स आर कंपैक्टेड इनटू डिस्टिंक्ट रीजंस ऑफ टेरिटरीज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिक रीजंस में ये जाके ऑर्गेनाइज होंगे. फिर ये जो क्रोमोसोम फुल डेवलप्ड जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट कंडेंसेशन रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स इंक्लूडिंग टोपोआइसोमेरेज 2 एंड द कंडेंसिन प्रोटीन जो कि इनको करीब लाती हैं क्रोमेटिन फाइबर्स को. कंडेंसिन इज अ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ 5 सब यूनिट्स and is one of the most abundant structural component of metaphase chromosome, jo inko arrange karte hain in the form of chromosomes during cell division. Each chromosomes contain a single DNA molecule, that is double stranded DNA molecule helix. Ye aapko duplicated form mein nazar aa raha hai, ek DNA molecule yahan pe maujood hoga aur usi ki duplicated form ek DNA molecule is point pe bhi maujood hoga. One chromatid per DNA jo hai wo molecule ke sath arranged hai. The typical human chromosomes contain almost 1000 megabase pairs or 1000 MB of DNA, and these large DNA units in association with proteins can be stained with dyes. Sare DNA se likhe to usko basic dyes ke sath aam taur pe stain kiya jata hai, and they are visualized in the light microscope during mitosis. Normal chromosomes ko aap cell divisions ki jo slides hain mitosis meiosis usme bhi observe kar sakte hain. Aur क्रोमोसोम में जो सेंट्रल कंस्ट्रिक्शन है दैट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, देन यू कैन ऑब्जर्व अनदर कंस्ट्रिक्शन दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, फिर सैटेलाइट और टीलोमियर डीएनए, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे. फुली कंडेंस्ड जो क्रोमोसोम है कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्टेड एट द सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर अटैचेस क्रोमोसोम टू द स्पिंडल्स क्योंकि इसके साथ कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन फाइबर्स मौजूद है, दैट इज काइनेटोकोर फाइबर्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पे अटैच होंगे काइनेटोकोर रीजन पे. एट दिस पॉइंट इन द हायरार्की ऑफ कंपैक्शन द पैकिंग रेशियो इज 10,000 फोल्ड कंपेयर्ड विद द नेकेड डीएनए, कि बहुत ज्यादा जो है वो हाई लेवल की फोल्डिंग आप इस पॉइंट पे यूकैरियोटिक जीनोम में ऑब्जर्व करते हैं. एंड क्रोमोसोम दे आर क्लासिफाइड एज सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम. यू नो अगर ह्यूमन क्रोमोसोम्स की ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए, वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स व्हिच आर एक्चुअली नंबर्ड इन पेयर्ड फॉर्म. ऑब्वियसली जो नंबरिंग होती है हमेशा पेयर्ड के फॉर्म में होती है 1 to 23. लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू साइज इज क्रोमोसोम नंबर 1, और बाकी क्रोमोसोम्स का डिक्रीजिंग साइज है. इस रेफरेंस से लास्ट 23rd को स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको पता है वो फीमेल में XX और मेल में XY है, दैट इज क्लासिफाइड एज अ सेपरेट पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, तो 22nd को स्मॉलेस्ट होना चाहिए. बट रिसर्चेस इनिशियल रिसर्चेस दे शोड कि 22nd ही स्मॉलेस्ट है,
और नंबरिंग इसी तरह से अरेंज्ड हो गई। बट लेटर ऑन ये बात क्लियर हुई कि एक्चुअली स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम 22nd नहीं है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज 21st। सो अभी एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है दैट इज 21st एंड लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम इज फर्स्ट पेयर। और ये सारी अरेंजमेंट जो साइज के अकॉर्डिंग स्पीशीज स्पेसिफिक होती है किसी भी स्पीशी में, दैट इज नाउन एज कैरियोटाइप। फर्स्ट ये 1898 में वाल्डर फ्लेमिंग काउंटेड 48 क्रोमोसोम्स, और ये गलती से ये नंबर कोट होता रहा 1930s तक। बाद में इसकी करेक्शन हुई कि ह्यूमन दे आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। और आपको पता है क्रोमोसोम्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टेल पे बिल्कुल अगर सेंट्रोमियर है तो वो टीलोसेंट्रिक, दे आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन। एक्रोसेंट्रिक जस्ट बिसाइड द टेल, सब मेटासेंट्रिक जस्ट बिसाइड और नियर द सेंटर, और बिल्कुल अगर सेंटर पे ऑलमोस्ट सेंट्रोमियर मौजूद है तो उसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पी आर्म इज रेफर्ड टू द शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म इज टर्म्ड एज क्यू आर्म। टीलोमियर्स जो कि आप देख रहे थे पहले, टेल्स पे बिल्कुल जो डीएनए है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस भी होती हैं, टैंडम रिपीट्स भी। इसके अलावा ये क्रोमोसोम्स को ज्वाइनिंग से प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यूकेरियोट्स के अंदर हमेशा हिस्टोन्स के साथ ही पैकिंग जरूरी नहीं है, मतलब ज्यादातर यूकेरियोट्स में तो ऐसा ही है कि न्यूक्लियोसोम्स के साथ इस तरह से पैकिंग है जो आपने पढ़ी। लेकिन कुछ यूकेरियोट्स में सच एज डायनोफ्लैजेलेट्स, उसमें विदाउट यूकेरियोट जो है वो पैकिंग देखी गई है विद स्मॉल बेसिक प्रोटीन दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट अनलाइक हिस्टोन्स। एंड दीज प्रोटीन्स ओनली रिप्रेजेंट 10% ऑफ द मास ऑफ द डीएनए, व्हाइल हिस्टोन्स और डीएनए की जो रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 होती है इन अदर यूकेरियोट्स। और ये डायनोफ्लैजेलेट्स के क्रोमोसोम्स का प्रपोज्ड या हाइपोथेटिकल मॉडल है विदाउट हिस्टोन्स, उनकी जो अरेंजमेंट है वो बाकी यूकेरियोट्स से थोड़ा वेरी करती है। डायनोफ्लैजेलेट्स दे आर अ ग्रुप ऑफ एल्जी एंड दे डू नॉट फॉर्म स्ट्रक्चर रिजेम्बलिंग न्यूक्लियोसोम बट दे स्टिल कंपैक्ट देयर डीएनए इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स। दूसरा डिफरेंस जो मिलेगा वो है मेमेलियन स्पर्म्स के अंदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कि मेमेलियन स्पर्म्स में भी हिस्टोन्स नहीं होती बट दे हैव अ प्रोटीन्स नाउन एज प्रोटामाइंस, प्रोटामाइंस इन प्लेस ऑफ हिस्टोन्स। और ये तकरीबन 85% ऑफ स्पर्म डीएनए कंपैक्ट फॉर्म में होता है इन न्यूक्लियो प्रोटामाइन टोराइडल स्ट्रक्चर माइनस ऑलमोस्ट अप टू 50 किलो बेस पेयर्स ऑफ डीएनए नीड्स। तो ये ह्यूमन जीनोम के अंदर भी थोड़ी वेरिएशन मिल सकती है स्पर्म सेल्स के अंदर। इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन और यूकेरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरिएशन अदर देन हिस्टोनिक स्ट्रक्चर्स। ये एक आपके पास कंपैरेटिव चार्ट दिया गया है जिसमें प्रोकैरियोट जीनोम और यूकेरियोट जीनोम की बात की गई है। इसमें रेगुलेटरी जीन्स की बात हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ते हुए करेंगे। साइज आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के जीनोम का स्मॉलर है, यूकेरियोट दे आर हैविंग मोर जीन्स। पैकिंग अगर डीएनए की देखी जाए तो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ सुपर क्वाइल्ड ये आर्किया में मिलेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, बाकी ज्यादातर बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। बट यूकेरियोट्स दे हैव यूजुअली हिस्टोन्स ऑक्टामर क्वाइल इनटू क्रोमैटिन। प्रोकैरियोट का सर्कुलर डीएनए जबकि यूकेरियोट लीनियर। नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस आती हैं आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स और इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस वो सिर्फ यूकेरियोट्स में मिलेंगे, और ये भी हम ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। Thank you for listening. Allah Hafiz.